वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं बस अभी नहा के आई हूँ। अयान को भी मैंने नहला दिया है। आज अयान स्कूल नहीं गया क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी, तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊँ। बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि उसके घर जाना है, लेकिन ना हर बार टल जाता। करीब 2 महीने से मैं सोचती हूँ, हर बार उससे कहती हूँ कि मैं आऊँगी और फिर मैं ना जा नहीं पाती हूँ। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ और बस अब जा रही हूँ रेडी होने। और मैं जा रही हूँ पी रोड। इस आपने उसको ना 2-3 व्लॉग्स में देखा भी होगा, तो मैं उसी फ्रेंड के घर जा रही हूँ पी रोड, क्योंकि पी रोड से मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो शॉपिंग भी हो जाएगी और मैं उसके घर भी हो आऊँगी। तो बस चलिए जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जाओ शूज़ ले आओ। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अयान को मुझे शूज़ पहनाने हैं और ये अम्ब्रेला लेके। क्या नहीं खोल रहा? चलो अभी रास्ते में खोल लेंगे, ठीक है? शूज़ लेके आओ, फिर मासी के यहाँ चलना है ना। हाँ खोल दूंगी। हेलो कर दो। कहाँ जा रहे हो अयान? कहाँ जा रहे हो? मौसी, चलो जल्दी से शूज लेके आओ अंदर से। तो चलिए मैं निकलती हूँ, फिर मैं आपसे ना सीधे वहाँ पे मिल। मौसी रास्ते में ही मिल गई। इधर से भी रास्ता है, हमें सीधी दिखाना रास्ता। डॉगी उधर है, 2 बजने वाला है। मैं 12:15 बजे निकली थी और 1:45 हो रहा है, 1:45 बजे पहुंची है ना। पैरेट उधर बोल रहा है, पैरेट बोल रहा है तो कह रहा है पैरेट का। और ये मुझे आधे रास्ते में मिल गई थी तो मैं आराम से आ गई। ये देखो पैरेट, आया गंगू नाम है इसका, गंगू। मिट्टू बुला दो। मिट्टू मम्मा कुछ खाना है, इसको कुछ खाना है, इसको नहीं गंगू को कह रहा कुछ खाना है। अच्छा इनको इतना पता है, वो बोल रहा है कि खाना है। अभी बनाना देंगे, ओके ठीक है। और बाहर ना मुझे लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। धूप बहुत अच्छी खासी तेज निकली थी। क्यों लग रहा था बारिश होगी, लेकिन अच्छी खासी धूप हो गई बाहर। और अभी अब मैं करूंगी रेस्ट 1-2 घंटे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। हाँ तोता बोल रहा है। फिर शाम को ये मुझे डायरेक्ट यहाँ से लेने आ जाएंगे, तो मुझे अकेले नहीं जाना है, ये मुझे लेने आएंगे। आई तो मैं अकेली हूँ, पर जाऊंगी मैं इनके साथ। और अब करूंगी मैं आराम से रेस्ट, उसके बाद फिर हम लोग मार्केट जाएंगे शाम तक। गंगू बोल रहा है, गंगू मौसी आ रही, मौसी आ रही। मुझसे कह रहा बनाना आप खा लो, लड्डू खाएंगे। अच्छा इसकी तबीयत। मामा कुछ खाना है। क्या खाना है? अरे कह रहा है रॉक्सी को कुछ खाना है। नहीं काटेगी, नहीं काटेगी। दिखा दो अम्मा, देखो
मेहमान नवाजी हाँ मौसी ला रही। अयान देखो मौसी आपके लिए क्या लेके आई है, पेटीज। मौसी ये देखिए आपके लिए लेके आई है मौसी। ओके जो आपको पसंद हो वो खाइए। मेरे जैसे कप। चलो आओ बैठो। क्या नहीं हो रहा है? और ये देखिए मेहमान नवाजी तो ऐसे कर रही है, पता नहीं कहाँ से आए हैं। लगी पड़ी, जब से आए तब से लगी पड़ी है। क्यों है मौसी ने देखो कितनी मेहनत करी है मौसी। इतना सब है लेकिन उसको नमकीन खानी है। मिर्ची है? मिर्ची मिर्ची नहीं है, चीज ढोकला है। हाँ खा लो, खा लो, खा लो, ये खा लो। अपन ने जा रहे हैं दाल के फरे। ये देखिए दाल पीस ली है, इधर आटा लग गया। और मेरे आने से जैसे ही मैंने इनको बताया था कि मैं आ रही हूँ, इन्होंने तुरंत दाल भिगाई, क्योंकि मुझे दाल के फरे ना बहुत पसंद है। तो बस अब वो बनने जा रहे हैं। 3 बज रहा है, ये बन जाए खा पी के फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। ये दाल, इधर आटा लग गया। बनने में आधा घंटा लगेगा क्या? आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। फिर अभी 3 बज रहे हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे। Oh, no.
मैं लेके आई हूँ मार्केट से एक ये मसाला दानी स्टील की। और एक महाराष्ट्रियन नथ ली है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग आ चुके हैं घर, हम लोग गए थे मार्केट और मैं लेके आई हूँ स्टील की मसाला दानी। और मुझे ना अपने लिए साड़ी लेनी थी, मुझे मैंने मतलब 2-3 साड़ी फाइनल करी है, बाकी ये आ जाए फिर मैं इनको एक बार और दिखा दूँगी तो उनमें से फिर मैं कंफर्म कर दूँगी। अभी ये आएंगे तो मैं दोबारा मार्केट फिर इनके साथ जाऊँगी। और ये लेके आई हूँ मैं मसाला दानी, मुझे स्टील की लेनी थी, काफ़ी अच्छी और काफ़ी हैवी वेट में मिल रही। दिखा दूँ, हाँ अच्छी है। और वो बना रही है खाना, मटर पनीर बन रहा है, पुलाव बन रहा है, रोटी बन रही है। और हम लोग ना दाल के फरे उबाल के चले गए थे, अब वो फ्राई कर रही है और चाय बन रही है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी और दाल के जो फरे हैं वो खाऊंगी, उसके बाद फिर बस खाने की तैयारी, लगभग आधी तैयारी हो गई है, बस उसके बाद खाना बनेगा। और 7 बज रहे हैं, ठीक 7 बज रहे हैं, 8:30 बजे तक ये भी आ जाएंगे। तो बस हम लोग निकलेंगे मार्केट, उसके बाद फिर से वापस आएंगे क्योंकि वो खाना बना रही है, फिर हम लोग खाना वाना खा के यहाँ से निकलेंगे। ये फरा रेडी होके आ गया और चाय आ रही है। ये लेती जाना। नहीं अभी मैं निकाल दें, काहे के लिए लेती जाना, कल फ्राई कर लेना, अभी निकाल दें फिर भूल जाएंगे। और अब आ रही है चाय। टेस्टी बने हैं, काफी टाइम बाद खा रही हूं क्योंकि घर पे अकेले की वजह से हस्बैंड को पसंद नहीं है तो मैं बनाती नहीं हूँ अकेले की वजह से, तो इसलिए इसने ना स्पेशली ये मेरे लिए बनाया है क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मौसी इतनी मेहनत कर रही है, मौसी अयान के लिए खाना लगा रही है। तुम चुप हो जाओ बस, बहुत हो गया। Thank you.